हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है मिनी पीसी और इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे इंटरनेट पर सुना था कि ये काफ़ी एकदम पावरफुल होता है वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए। तो मैंने इसे ख़रीदा है ख़ास करके फिल्मोरा 13 रन करने के लिए और एडिटिंग के लिए मैंने इसे ख़रीदा है। तो मैं आप लोगों की इस वीडियो में इसे अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा ये किस तरह का है, कैसा है, मतलब इसका क्वालिटी कैसा है। और परफॉर्मेंस के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसका, और फिलहाल अभी देखूंगा मैं इसका कि ये क्या क्या है इसके साथ और कैसा है इसका क्वालिटी। तो ये क्या है, चाइनीज है, जेन मैसिन नाम बोल के ब्रांड है। 16 GB मेमोरी है और 500 GB स्टोर है इसका। तो चलिए, इसके साथ एक वायरलेस ब्लूटूथ रिचार्जेबल माउस दिया है जो काफ़ी अच्छा है देखने में, देख सकते हैं। माउस तो एकदम अच्छा है और इसमें एक चार्ज करने के लिए टाइप सी का केबल दिया है। तो चलिए दोस्तों, इसे खोलते हैं पहले। तो खोलने के लिए पहले चलिए से दोस्तों, अगर आप लोग नया ही चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही से वीडियो अपलोड होता रहेगा और काफ़ी सारे वीडियो पहले ही से जाके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, इसका मैंने प्लास्टिक निकाल दिया और काफ़ी अच्छा तरह से इस पर ये तो मोबाइल के जैसा एकदम स्मूथ है खोलने के लिए बॉक्स। वाह, मटेरियल काफ़ी हैवी है ये, और जब मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा था वहाँ पर लिखा था सिर्फ 300 ग्राम है, लेकिन ठीक 370 ग्राम है, लेकिन वैसे ही होगा। काफ़ी छोटा है देखने में और देखने में तो बहुत अच्छा है। चलिए पहले इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या है। इसमें मेरे ख्याल से अडाप्टर होगा, ये अडाप्टर है और कुछ नहीं है। चलिए फिर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसे खोल के। अडाप्टर है जो काफ़ी हैवी है और अच्छा क्वालिटी का है। और ये एक HDMI केबल है इसके साथ में, और वॉल ब्रेकेट है। तो ये तो बहुत ही हैवी है, ये बहुत भारी है, इसीलिए टोटल मिला के लगभग 2 किलो वेट था इसका। तो चलिए ये है मेन इसका, चलिए मैं आप लोगों को इसे दिखाता हूँ। ये Ryzen 7 है और Ryzen का प्रोसेसर कितना महंगा है आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। ये काफ़ी छोटा है और देख सकते हैं इसमें ईयर फैन है कूलिंग के लिए, और ये साइड में HDMI केबल है, और ये एक एडाप्टर के लिए और ईयरफोन के लिए है, और USB टाइप सी है HD केबल के लिए है, और दो ये साइड में वो है USB, और ये भी साइड में दो है USB, और ये है पावर बटन। तो दोस्तों, ये देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा एल्युमिनियम का बॉडी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ऐसे ही से वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।